सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट विट्रियोलाइज, यानी कि विट्रियोलाइज हर बार एक एसिड अटैक और फिर वहाँ से रिलेटेड है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो ऑयल जैसा या फिर विनेगर जैसा ही होता है इसमें। तो फिर इसमें क्या है कि ये तो फिर इसमें कोई भी करोसिव करोशन प्रोड्यूस करने वाला कोई भी करोसिव सल्फ्यूरिक एसिड ही नहीं, कुछ भी हम दूसरे के पर्सन के ऊपर कोई भी मैलिशियस कंटेंट से या फिर कुछ बुरा असर से हम जो करते हैं तो उसको ज़्यादातर विट्रियोलाइज बोलते हैं। वो एक वायलेंट असल्ट माना जाता है, कभी कभी लव रिजेक्शन में या फिर किसी के ऊपर हमें इतना ईगो जलसी वगैरह होता है तो उसको एक सबक सिखाने के लिए ज़्यादातर ये विट्रियोलाइज वगैरह प्रैक्टिस होते हैं। ग्रीवियस हर्ट पहुँचाता है दूसरे आदमी को, कभी कभी विशन या फिर पूरा फेस का डिसफिगरमेंट हो जाता है। मोस्ट कॉमनली वुमेंस होते हैं इनका कॉमन विक्टिम्स। उसमें बहुत कॉमनली यूज़ करने वाला है सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ साथ सोडा, कास्टिक पोटैश, आयोडीन या फिर मार्किंग नट यानी कि फिनलैटिक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मोटिव एकदम साफ है, यानी कि ईगो और जलसी या फिर लव के ऊपर, लव रिजेक्शन के ऊपर वगैरह ही इनका मोटिव होता है। ज़्यादातर ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं बल्ब में कलेक्ट कर देते हैं और फिर जब आता है विक्टिम आता है तो उसके ऊपर फेंक देता है, ऐसा होता है इनका मैकेनिज्म। और फिर इनका इफेक्ट ज़्यादातर होते हैं सीवियर केमिकल बर्न्स होते हैं इसमें, एंड सीवियर पेन होते हैं, सीवियर कार्बनाइजेशन ऑफ टिश्यू हो जाते हैं, उसकी वजह से स्किन जो होते हैं डिसकलर होता है। ये जो पिक्चर आपको ये दिखता है लक्ष्मी अग्रवाल यानी कि इंडियाज एसिड अटैक सर्वाइवर, सो डिसफिगरमेंट और फिर स्टेनिंग वगैरह आपको दिखते हैं। कभी कभी एसिड अटैक के बाद क्लॉथिंग जब एग्जामिन करते हैं तो क्लॉथ पीसेस जो होते हैं ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर नाइट्रिक एसिड है तो येलो कलर का होता है। आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा नाइट्रिक एसिड वो येलोइश कलर, कभी कभी हाथ में वगैरह लग जाते हैं तो वो येलो कलर शायद एक या दो दिन भी रहता है उसमें। और इनका आइस में इफेक्ट ये है कि कॉर्निया में डिस्ट्रक्शन होते हैं, ब्लाइंडनेस भी होते हैं, परमानेंट स्कार जो होते हैं एसिड में, सीवियर पेन होते हैं, टिश्यूज का कोरोशन होते हैं, उसकी वजह से ये परमानेंट स्कारिंग भी होती है। इनका ट्रीटमेंट ज़्यादातर इमीडिएट पोर्शन ही करना चाहिए सोप एंड वाटर से या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से सोडियम और पोटाशियम बाइकार्बोनेट कर लेते, पर इट डजंट मीन अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। ऑलरेडी कार्बनाइजेशन या फिर स्टेनिंग वगैरह हो चुका है तो सिर्फ इनका सीवियरिटी को कम ही कर सकते, पर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग जो स्कार है उसका कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बोनेट का थिक पेस्ट अप्लाई कर लेता है, बाद में एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या फिर कुछ ऑरल एंटीबायोटिक्स वगैरह इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर लेता है। बाद में वोन ड्रेसिंग के लिए आना चाहिए, कभी कभी स्किन इतना स्टेन्ड हो जाते हैं या फिर फेस का इतना डिसफिगर्ड होते हैं कि कभी कभी स्किन ग्राफ्टिंग ही डैमेज्ड स्किन को रिप्लेस कर सकते हैं। इतना है विट्रियोलाइज वाले ना। और फिर आप ये जो पिक्चर देता है कभी कभी कंप्लीट डिसफिगर में, यानी कि पूरा ऑर्गन्स जो होता है वो डिसफिगर्ड होता है और फिर चार्ड अपीयरेंस होते हैं, उसके साथ साथ सीवियर रिंकल्स वगैरह जो आते हैं, यानी कि पूरा वो आदमी का एक्सटर्नल अपीयरेंस खो जाते हैं इसमें। और फिर ये लक्ष्मी अग्रवाल के लाइफ हिस्ट्री के ऊपर जो ये मूवी लगाया था चपक मूवी, ये भी इनका ज़्यादातर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के कितनी डिफ़िकल्टीज होते हैं उसके बारे में बताते हैं।